ये चूजों की जगह बनाई हुई है जहाँ पर हम सुबह के वक्त चूजे ला के यहाँ पे रखते थे। ये पिंजरा रखा हुआ है, इसके आगे ये शीशा रख दिया है और मतलब फिर जगह क्लोज कर दिए ताकि चूजे जो हैं एक ही जगह पर बैठे रहें, इधर उधर ना जाएं, खुली जगह पे ना जाएं। ये देखिए ये शीशा रखा हुआ है हमने, ये बंद है। इनका ये पानी का बर्तन लेकर आया हूँ उनके पीने के लिए, क्योंकि जब खुले बाउल में रखते हैं हम पानी तो खुद भी गीले हो जाते हैं, इससे इनके बीमार होने का खतरा होता है। तो ये बर्तन ले आए हैं, इसमें ये आराम से पानी पी लेते हैं। अभी इसको भी हम इसके अंदर रख लेते हैं और चूजे अभी बंद ही हैं। और इनकी खुराक भी डाल देते हैं ताकि खुली डालते हैं ताकि ये खुद चुन के खाएं। अभी चूजों को खोलते हैं जी, ये देखें खुशी से निकल आए हैं बाहर। खाना भी खुद ही खा रहे हैं। कुछ दिन पहले इनका पेट खराब हुआ था तो मैंने मेडिसिन दी है, ट्रीटमेंट की चली है तो सर्वाइव कर गए हैं, अभी काफ़ी बेहतर है। शीशा रखने का फ़ायदा मुझे ये है कि इन्हें मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। पानी पी रहे हैं, अपना घूम फिर रहे हैं। अभी हम भी अपने काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी इनके लिए, एक जगह पे सेफ हो गए हैं। ऊपर से हम जाली से कवर कर देंगे ताकि कोई कौवा ना आ जाए। ये देखिए जाली से कवर कर दिया हमने। अब मैं जा रहा हूँ बाकी अपने काम करने के लिए। ये घूम फिर रही हैं। लान के साइड पे ये मैंने स्टैंड रखे हैं और इनके ऊपर मुझसे चीज़ें लगती हैं, गमले भी रखे हुए हैं, सोलर लाइट्स भी लगी हुई हैं। ये लोग काठ का दरख्त है, मुझसे फल के दरख्त भी लगे हुए हैं। ये स्टैंड भी मज़ा करते हैं, इसके ऊपर मैंने जो है वो लाइट्स भी लगाई हुई हैं। खाना खा के बैठे हुए आराम से चहलकदमी हो रही है चूज़ों की, मुर्गियों की। बारिश की वजह से इन ग्लोब पर हम शापर चढ़ा देते हैं ताकि ख़राब ना हो। बक भी जो है वो अपने केज में बैठा हुआ है रात की ड्यूटी कर कर के। नेफ को साफ किया जा रहा है, वो भाग गया है। रखने को तो पिंजरे में भी चूजे रहे हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन यह कि उसमें उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ये तरीका करने से ये फ़ायदा है कि एक तो उनको ये मैंने शीशा जो रखा है इससे इनको धूप ही मिल रही है, जो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, और साथ साथ मिट्टी में भी खेलते हैं
और एक्टिव रहती हैं, इधर कभी पिंजरे में जाती हैं, कभी नीचे आती हैं सीढ़ियों स्टेप से, कभी स्टेप से नीचे आते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, खाना भी ढूंढ के खाते हैं। तो फिर ये एक्टिव रहती हैं, बीमारियां कम आती हैं। पिंजरा छोटा हो तो एक ही जगह बैठे बैठे खाना हजम नहीं होता तो बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिव है, देखें आप ही देख रहे हैं कि किस तरह अपना खेल कूद रहे हैं। तो अभी इसमें से पानी का बर्तन भी निकाल दूँगा और कुछ देर बाद फिर दोबारा रखूँगा। हर वक्त नहीं पड़ा रहना चाहिए पानी इनके पास। कबूतरों की आवाज़ें आ रही हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ जाते हैं। ये लंचे भी कबूतरों को भी खोलते हैं साथ। फिर बंद हो गया दरवाज़ा। चलें जी बाहर आ जाएं, बाकी भी इसमें वो भी हैं जो आपने शो की वीडियोस में देखे थे, 20 डेज ऑफ पिजन्स लाइफ, उसमें वो कबूतर भी हैं जो बड़े हो गए हैं। अभी फिर जो है वो कबूतरों ने बच्चे भी दिए हुए हैं और अंडे भी दिए हुए हैं। इनके साथ चूज़ों को भी खोल देते हैं, ज़रा रौनक देखते हैं, चूज़े भी खोलते हैं जी। ये देखिए जी रौनके, छोटे छोटे चूजे, वो कबूतर को तंग करने गया है, चूजा वापस आ गया उसको उड़ा के। बाकी दूर खेल रहे हैं, सारे एक जगह खाना खाने शुरू हो गए हैं मज़े से। हाँ जी बाकी को भी खाना खाने दो, बाकी तो घूम फिर रहे हैं। मुर्गियाँ भी आई हुई हैं अपने घर की तरफ। इसमें ये देखिए कितने मजे की छोटी सी, ये इसकी गर्दन जब बड़ी होगी तो इसकी गर्दन पे बाल नहीं होंगे, ये और ये देखें, ये भी है, ये भी है।
कबूतर भी खुश है। ये क्यारी में घूम फिर रहे हैं। और मुर्गियों के पास नहीं जाना, बाज़ार से मैं गुजर रहा था तो चूज़े देखे हैं। दोबारा मैंने उसके पास गया हूँ तो ये एक उसके पास मशहूर चूज़ा था, कहते हैं पैदाइशी तौर पे ये ऐसा ही है, इसकी ये टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, तो ये बाकी चूज़ों के नीचे प्रेस हो रहा था, तो इसको मैं साथ ले आया हूँ। मैंने कहा चलो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इसकी ज़िंदगी हो जाए, वरना वहाँ पर वो नीचे दब के मर जाता। बाकी चूज़ों में ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। पूरी कोशिश करेंगे कि ये सेहतयाब हो जाए। दोनों टांगें काम नहीं करती हैं इसकी। चुनू ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। इससे पहले चूज़े के भी एक टांग टूटी थी जिसकी सिर्फ स्किन ही थी और हड्डी टूटी हुई थी, तो मैंने उसको प्लास्टर किया था। कहा पर वो थी चार नंबर हमारी वीडियो थी जिसका टाइटल था हेल्पिंग चिक्स वॉक अगेन, तो वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तो वो माशाल्लाह मुर्गी थी, वो तो अभी अंडे भी देने शुरू हो गई है। वो वीडियो नंबर चार थी, तो इंशाल्लाह होपफुली ये भी सेहतमंद हो जाएगा जल्दी। ये क्विज भी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें कि इसमें हमारे पास कितने चूज़े हैं जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये दफ़ा फिर आपको रिव्यू कराते हैं। ये देखेंगे ये है, देखते जाएं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितने चूज़े हैं हमारे पास। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।